अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब व्लॉग। सहरी बन रही है बच्चों के लिए, जल्दी से पराठे बनो। पता है रात को क्या हुआ? रात को एक सीन हो गया, बताती हूँ सब। क्या करूं? तो मैं तो दूसरा पराठा लगा दिया तुम्हारा। हाँ जरा लगा दो तुम पराठे के ऊपर। तो अंडे के साथ जो बनाना है उसके साथ, और एक उस पर क्या करूं, रोल बना लेते। हाल बताती हूँ। हाल ये है कि रात को ना मैं आफ्टर वॉक करने आने के बाद, चाय और सीटीराम सुखाने के बाद मैं सोफे पे ही सो गई। तो इतने दिन से मैं उसके बाद किचन समेटती हूँ, तो रात को मैंने किचन नहीं समेटा। तो मेरे बाद बिलाल ने जितना समेटा वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कितना समेटा उन्होंने। एक दिन उनको पड़ा, लेकिन ये है कि मेरी नींद पूरी हो गई है। अब मैं बैठ के थोड़ा सा अपनी ब्लॉग अपलोड करूँगी, फिर आयमा को स्कूल भिजवाऊँगी, फिर मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। ये मुझे हो जाएगा। आपने जाना है आज? मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हालात चेक करें, ये रात वाले हालात है। ये देखें सिंक कितना साफ़ है। ये सब कुछ डिश वॉशर में होना चाहिए था, डिश वॉशर लगना चाहिए था, जो मेरे मैं सो गई तो रात को लगा ही नहीं। बिलाल तुमको आना पड़ेगा। ये भी सुबह से बना रही है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोक के जमाना तुमको आना पड़ेगा। कहाँ गए बिलाल? जो बात, हाँ ये जो सुबह सुबह शुरू हो जाती है, इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है महक? यार इसका कोई भी इससे बात करो ना, फौरन कैमरा उठा के ना, जिस तरह वो माइयां नहीं होती, वो सबूत इकट्ठे कर रही हूँ। सबूत इकट्ठे नहीं नहीं बिलाल, सबूत इकट्ठे कर। आजकल मैंने ये देखा है, जो भी है ना वो देता है लड़ाई, वो मियां से जो भी ना, सबूत इकट्ठे करो। ये सबूत इकट्ठे है, सबूत इकट्ठे कर रही है। ये जो ये कर रही है ना हमारे साथ आज, वैसे अच्छा नहीं कर रही, लेकिन चले क्या कह सकता हूँ अब यार। इसको मैंने कल काम कहा था वो हुजूर कामों में लगी। अच्छा मैं सो गई बिना, तुमने इतना अच्छा किचन कैसे साफ कर लिया? क्या मतलब? मतलब इतनी सफाई, इतने दिल से काम तुमने कैसे करा? यार अब ये तो दिल से ही होता है ना, अब इससे बगैर तो नहीं हो सकता। इतनी सफाई, अगर मैं यहाँ पे ना हूँ। ओ भाई सारा टेबल क्लियर किया है, हर चीज की है। हाँ बर्तन नहीं धोए, वो तो तुम्हें पता है कि मैं से वैसे तो भी उसके लिए कोई और परी है ना। उसके लिए मैं इकरारुल हसन से रابطہ करता हूँ। नहीं मतलब इतनी सफाई कैसे, मतलब उसके लिए मैं इकरारुल हसन से पूछता हूँ कि वो कैसे करता है सब कुछ जो कर रहा है। वो कर लो, वो हमारी तरफ से इजाजत है। वो इकरार हसन की बेगमों का और हम में डिफरेंस ये है कि उन्होंने उन्होंने साथ रहने की, उनको पता कि इतना अच्छा बंदा है कि हमें मिलेगा नहीं, हम साथ रहे। भाई हमें तुमसे उम्मीद नहीं है, हम अपना रास्ता अपनाएंगे। तुम अपना रास्ता अपनाओ, 10 करो या 20 करो, साउंड प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लैक मैंने यहाँ पर कभी भी नहीं चली, नौकरी चलाने की जरूरत है। हर किसी का दीन ईमान अपना होता है, अपनी जिंदगी है। उसको अगर डबल चांस मिल रहा है तो हम भी चांस लेंगे। मसला ये चांस उसी को क्यों मिल रहा है? उसने वैसे अपने इंटरव्यू में कहा है, मैं सुबह सुबह देख के आया हूँ, मतलब जो मैंने पढ़ा है उस पर ये लिखा हुआ है कि उसने कहा है कि वो उसकी जो तीसरी होने वाली बेगम है वो चाहती थी कि वो उसके साथ उनके साथ शादी करे, तो इसीलिए उन्होंने शादी कर ली। उन्हें पूरी देर होते ला ही। प्यारा मौसम है, बारिश हो रही है अभी। आज की स्टोरी ये है कि बिलाल भी आ गए हैं, गेट बंद कर लीजिए। आज हम छातों में वॉक करेंगे, अपने अपने छाते में, क्योंकि बारिश हो रही है। आज की अपडेट यह है कि आज सारे बच्चों ने स्कूल जाना था, आज लास्ट डे है बिफोर स्प्रिंग ब्रेक।
तो सारे बच्चों ने स्कूल जाना था, लेकिन स्कूल से तकरीबन 10 मिनट से पहले ना, नहीं नहीं 10 मिनट नहीं, 5 मिनट पहले आयमा ने कहा मेरी नेक पे ना एलर्जी हो रही है। मैंने नेक की देखी तो सारी एलर्जिक रिएक्शन हुआ हुआ था। फिर मैंने कहा उसको फौरन से मैंने लगाई स्टीरोइड और उसको एंटी हिस्टामिन पिलाई, एंटी एलर्जी दी। मैंने कहा ये स्कूल में बढ़ गया तो क्या होगा। फिर मैंने कहा बेटा तू तो कर छुट्टी, उसको छुट्टी कराई। तो माल शहजादे जो हैं वो आए कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता। मैंने कहा अब्बा से पूछ लो। कहता अपने सूट के लिए तो अब्बा से आप लड़ती हैं, मेरे लिए नहीं लड़ती। मैंने कहा बेटा सूट इम्पॉर्टेंट है, तुम नहीं इम्पॉर्टेंट, तुम्हारा स्कूल जाना इम्पॉर्टेंट। लेकिन करते करते वो 10 मिनट पहले गया है। हाँ, उसको तो फिर हमने छोड़ा इस बारिश की वजह से। वो जा रहा था अपनी गोल्फ कार्ट में, हमने कहा भाई हम तुमको ड्रॉप, अभी हम उसी को ड्रॉप करके आ रहे हैं। और दोनों जो है वो सुबह आए हो तो अलमास के बेड में बैठे हुए माज और आयमा जो है वो। मैंने कहा बिलाल वो अपनी माँ के ना परों के नीचे छुपे हुए हैं, मेरे जो बच्चे ना चूजे अंदर, उनको पता है अभी बाप आएगा पूछेगा ना एक्सप्लेनेशन मांगेगा क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा पहले ही माँ के अंदर घुस जाओ बेड में कि माँ ही जवाब देगी, हमें तो फेस करना पड़ा ही ना। चलो फिर बिलाल कहता है ये तुम्हारे पीछे क्यों जाते हैं। बिलाल ये भी कहता है कि माँ तुम्हें कुछ नहीं कहता, कोई भी तुम बहस कर लो कुछ भी कर लो। मैंने कहा बेटा माँ माँ होती है, माँ जो होती है ना माँ। चलो जी, तो वेदर ये चल रहा है, बारिश हो रही है, हम निकले हुए हैं वॉक के। हमने कहा चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा, फ्राइडे है तो गार्बेज का डे है, हमारे यहाँ पे दो डेज होते हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे। कनाडा में ये गार्बेज का बहुत इशू होता था। ये ग्रीन वाली तो बिलाल मेरे ख्याल में 2 हफ्ते में आती थी ना। हाँ 2 हफ्ते में, 15 दिन आप गंद अपना जो है ना घर में इकट्ठा करो, और वो जो रिसाइकल है ना वो वीकली होती थी। और जो डब्बे होते थे ना कनाडा में वो इतने बड़े नहीं थे, वो छोटे छोटे थे। अब आप इमेजिन करें कि गार्बेज जो है, गार्बेज में पता है बच्चों के पैम्पर डायपर्स भी इंक्लूड होते हैं, गंद जितना भी है। और वहां पे हमारे मतलब इमेजिन करो आप गैराज में रखो स्मेल, और मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है ये गार्बेज। और यहाँ पे ये जो गार्बेज है वही हफ्ते में 2 दिन है, बिकॉज इनको पता है कि अगर घर में रखेंगे तो स्मेल होगी ना, कितना रखोगे। वही हफ्ते में 2 है और 1 दिन जो है ट्यूजडे को रिसाइकल है, पर कनाडा में उल्टा था। और दूसरा मैं तुम्हें बताऊं, हमारे ना किचन में यहाँ पे गार्बोरेटर्स लगे हुए हैं। गार्बोरेटर्स जो है ना किचन में सिंक में जो लगे होते हैं, वो सारे ये एग शेल्स जितना भी छोटा छोटा खाने का अमाउंट है, जो भी फूड आइटम्स है ना, वो उसको खत्म कर देता है, क्रैश कर देता है, और वो सिंक में चला जाता है बिल्कुल पानी बन के। कनाडा में वो भी नहीं था, तो कनाडा में मतलब केले के छिलके, ये सारे छिलके आपने इसी में जाने हैं। यहाँ पे तो गार्बोरेटर्स भी हमारे किचन में लगे हुए हैं, फिर भी ये गार्बेज रोज, ये कनाडा उल्टा चल रहा है। कनाडा कहता है कि अपने मत कनाडा की बातें करो, फिर वो लोग माइंड करते हैं कनाडा की। नहीं मैं जो सच है वो तो बताऊंगी। कनाडा कहता है कि अपने जो केले के छिलके ना अपने बैकयार्ड में लगाओ, जमीन में डालो, खाद बनाओ खुद। दो हफ्ते स्मेल हो तुम लोगों के बैकयार्ड में, पहले उबाले आने दो, उबाले आने दो, फिर भी बैकयार्ड भी तो बड़े हो ना। अब यहाँ पे नॉर्मल बैकयार्ड इतने बड़े हैं, तो कनाडा में बैकयार्ड भी नहीं है। कनाडा ना अपने लोगों को ना वो करता है। चलो भाई बहुत बोल दिया, 4 मिनट बोलती रही, बाय बाय, टेक केयर जी। बाजी तैयार होके आ गई हैं। आज मैंने थोड़ा सा सेमी फॉर्मल, आज है फ्राइडे और मेरा इफ्तारी घर में करने का कोई प्लान नहीं था। मेरे घर में ये रूल है वीकेंड पे खाना भी बाहर से खाओ, कुछ भी कर लो। कभी कभी बना लेती हूँ, तरस आ जाता है, तो जब मुझे तरस आ जाता है, बट अभी बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। मैं थक गई थी पिछले हफ्ते, मैं घर पे ही थी, तो मैंने कहा चलें ये सही से रिकॉर्ड, कैमरा नहीं पकड़ सकी मैं अभी तक, ठीक है। तो उस वजह से फिर अभी हम जा रहे हैं इफ्तारी करने। इफ्तारी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा सही कैमरे से ही रिकॉर्ड करूँ, पता नहीं किस एंगल में शीशे को यूँ करके आप लोगों को क्लियर नज़र आता है नहीं आता, इसमें मेरी शक्ल सही नज़र आती है, मैं इस एंगल से आउट हूँ, मुझे कोई पता नहीं है, बट होपफुली मैं आ रही हूँ।
अब मेरा मुंह कटा है, यहाँ पे हूँ मैं। पापा मैं छोटी से कैसे गाने बनाते हैं, जितने भी इमोशनल ड्रामे हैं ना बेटियों के साथ अटैच कर लेते हैं, फिर मुझे कहेंगे अब लोग आना शुरू हो गए ओवर एक्टिंग की दुकान से, चलो भाई चले सीरियस तुम लोगों को रहते हैं। सीरियस आज रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करेंगे, देखेंगे वहाँ का खाना कैसा है। देखा माँ पे गई है छोटा सा बेबी कितना क्यूट है ना, कैसे गाड़ी से निकला हुआ है जी। हाउ इज इट सो क्यूट, एम्बुलेंस आ रही है, ये देखो सायरन बज रहा है, टा 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 टा। तू चला जा भाई, हम पहुंचे नहीं है, रास्ते में ही बदलाव आ गया, बिलाल ने सारा प्लान का ही चौपड़ कर दिया यार। मैंने ये बड़ा ही डिसअपॉइंट होंगे आप लोग, हम उसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं जहाँ हम जाते हैं यार। मैंने ये सोचा कि अफ्तार की वजह से ना आप भूख ज्यादा बिलाल को लगी है, नहीं ले सकते। अगर आप वैसे कभी खाना खाने जा रहे हो ना तो आप कर लेते हैं, लेकिन मैं इफ्तार के ऊपर आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। मैंने इनको ये कहा था कि इफ्तार की वजह से इस्तांबुल ग्रिल चले जाओ, उसके बाद जब नॉर्मल उस पर कभी आए ना तो मैं तुम लोग को उधर ले जाऊंगा, बिकॉज मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहता कि ये भी नहीं था वैसा भी नहीं था टेस्ट और फलाना भी नहीं था ढंकाना। मैंने कहा जो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना उसके ऊपर जाओ भाई। अभी चलो वही स्कूल की ट्रेनिंग जो दोबारा सेम रूटीन। तो हम आ चुके हैं अपने वही टर्किश रेस्टोरेंट में, दिस इज गोइंग टू बी इफ्तार। हमें जितना लग रहा था कि बहुत रश होगा, अब लोग आना शुरू हो गए हैं क्योंकि टाइम होने वाला है ना, बट अभी इतना ज्यादा नहीं है। व्हिच वन? दिस? या दिस ही यू कैन सी, दिस इज फॉर रमजान मुबारक। ये देखें जो हैंगिंग इन्होंने किया ना, मैं कहती हूँ इन्होंने क्या किया है। मैंने कहा ये रमजान की स्पेशल चीज़ है, हम वही रूटीन की चीज़ें जो खाते हैं, लवाश खाते हैं, चिकन खाते हैं, एंड में कुनाफा खाते हैं। अब दूसरा रेस्टोरेंट बता रहा तो मैं बड़ी एक्साइटेड होके आप लोगों को दिखाती हूँ। खोल गया है, हम लोग रोज़ा खोल चुके हैं, हमने खजूर खा ली है, तो बस अब हमारा ये खाना भी आने वाला है। गार्लिक सॉस, चलो जी मैं बच्चों को खाना कुनाफे के बाइट लो, इस बार ठीक है। चलें जी, आज मेरे ख्याल में ज़्यादा व्लॉग नहीं बना, ना ही फनी बना, और कभी कभी सीरियस बातें भी होनी चाहिए। कभी कभी दिल करता है आप लोगों के सवालों के जवाब दूँ, आई विश कि मेरे पास थोड़ा टाइम हो। बिस्मिल्लाह करें, सवालों के जवाब अभी देते हैं, अभी दे हाँ। चलें गाड़ी में देते हैं। आपका मोबाइल कहाँ है? सैम्स क्लब के सामने हम खड़े हुए हैं। पहला कॉमेंट है ओवर एक्टिंग, आपने मुझे सही पहचाना है, असल में आप ही ने मुझे पहचाना है। और प्लीज़ मेरे हर व्लॉग के नीचे जाके आप ये कमेंट कर रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत मेरी बड़े मेरी लोगों में बढ़ नहीं रही, मतलब आगे ना क्या कहते हैं बिलाल, पिनअप नहीं पा रही। हाँ पिनअप नहीं पा रही, आप जैसे ऐसे कमेंट्स करेंगे, गाली दें जो भी करें ज़रूर, ताकि मेरा तो फ़ायदा हो। जवाद खान ऑफिशियल कहते हैं कि वी लव योर व्लॉग्स, जो इन्होंने कहा था टाइटल का मुझे समझ नहीं आती कि टाइटल बहुत ही कहा है, अच्छा टाइटल है आपका, नहीं मतलब टाइटल अच्छे होने भी चाहिए लेकिन टाइटल लिखना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, हम जैसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं ना उनके लिए टाइटल जो है। ये हमारी यूनिवर्सिटी, हमारा हाई स्कूल में ये वाली जगह है। ओके, उसका मतलब है क्लिक बेट टाइप आर्टिकल। हाँ रखे ना वो फिर, लेकिन वो इस तरह हो सकते हैं, बिलाल से हुई लड़ाई, घर छोड़ के जा रही हूँ, बच्चे पसंद नहीं है, बच्चों ने सर खा लिया है, खून मेरा खत्म हो गया, इस तरह के टाइटल्स लिखना थोड़े होते। एक दो दफा मैंने कोशिश करी है लेकिन somehow जमीन, हाँ गुड न्यूज, जमीन की मलामत बहुत होती है ऐसे टाइटल्स में, पता नहीं सही है कि गलत है जो भी है। विच स्टेट वी लिव इन? फ्लोरिडा स्टेट। एक्चुअली बहुत सारा तारीफों के बहुत ज्यादा हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंड वर्ड्स। मैं तारीफों के इसलिए ज़्यादा नहीं लेती क्योंकि वो ऐसे लगता है कि अपनी आप बढ़ाई खुद कर रहे हैं ना,
तो इस वजह से इतना खूबसूरत घर है आपका, इतना प्यारा आउटसाइड है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस तो है ही नहीं ना, आप फ्लोरिडा में होती हैं, यू आर सो स्वीट, आई लव यू। ज़्यादातर बिलाल तारीफें ही हैं, तारीफें ही हैं। हाँ मैंने देखा था आज, Why don't you get your closet made professionally? ये मैं बनाना चाह रही हूँ काफ़ी अरसे से, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी क्लोजेट बनवा लूँ। आईकिया वाले भी बनवा के देते हैं और इसी तरह के जो लोग हैं, सस्ती इतनी महंगी नहीं बनती मेरे ख्याल में, 1-2 हज़ार में तो नहीं, मेरा बड़ी है 2,000, 2,500, 3,000 तक बन जाएगी। तो तुम वहाँ से क्यों नहीं लेती वो जो वेफेयर है? अच्छा तो बस मेरे ख्याल में इसी पे ब्लॉग आगे हैं, सवाल इसी तरह के सवाल है ना, ये वाला इंसान है कि आपने जो दूसरे सोनोग्राफी प्रोफेशन को आपने ऐसे ऐसे बात की जैसे आप उनकी इंसल्ट कर रही हैं, डिग्रेड कर रही हैं। इसका जवाब मुझे देने दे जरा यार। वैसे जितना आप जवाब देते हो ना, आप उनको क्यों क्लैरिफाई कर, कहो हाँ नहीं, क्लैरिफाई हाँ कर ले जो कर रहे तुम। सीधी सी बात है, एक बंदे ने 16 साल 17 साल की एजुकेशन हासिल की है, ठीक है। डॉक्टर हजरात जो हैं, अगर उन्होंने MBBS नॉर्मल भी किया है तो वो कम से कम नहीं तो 17 साल की एजुकेशन लेके, 16 साल की एजुकेशन लेके तो फिर वो डॉक्टर बने। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशंस वगैरह जिन्होंने की हुई हैं वो अलग की हुई हैं। अब अगर वो यहाँ पर आके किसी वजह से काम नहीं कर पाए, फॉर व्हाटएवर रीज़न, फैमिली रीजंस थी, व्हाटएवर रीज़न, लेकिन उन्होंने अब अपना कोई और लेट्स से प्रोफेशन हेल्थ केयर रिलेटेड ही का, चाहे सोनोग्राफी हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो उसमें जाते हैं तो डेफिनेटली सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम है। वो एक हाई स्कूल के बाद आप 2 साल की एजुकेशन लेके भी एसोसिएट डिप्लोमा करके तो आप इनकी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ने कोई ये कह दे कि भाई डॉक्टर जो है वो ज़्यादा क्वालिफाइड हो के वो ये चीज़ कर रहा है, तो ये कोई इसमें गलत बात नहीं है। इसमें कोई आपको ये फील करने की जरूरत नहीं है कि किसी ने आपकी जो है वो हतक कर दी। भाई आप उनकी जॉब्स ले रही हैं, आप उनकी जॉब ले रहे हैं, आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इतना बनाए, मैं इस फील्ड में जो घुसी थी ना वो जॉब के लिए नहीं घुसी थी, अल्लाह करे मेरे हो और आपकी बद दुआओं की वजह से ऐसी स्टेज पे आए कि हम आपके लिए जॉब क्रिएट कर सके, फिर आपको हायर करेंगे, आप सिर्फ दुआ करें। मतलब बात की ना ख्याल उतारना, मतलब लोगों को ना डिग्रेड करना, ना यूट्यूब पे मैंने बताया ना, जैसा आपका ब्रेन है ना वही आप उसको समझेंगे, वही अंडरस्टैंडिंग है। जो बचपन से दूसरे बंदे को समझना इतना आसान नहीं है, मेरी यहाँ पे आपको पूरी एक चीज समझे, मैं यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं करने आई, ये आपको मुंह से मैं क्लियर बताऊँ, यहाँ मैं किसी में आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं रखती, ये बेहतर वो बुरा, ये अच्छा वो बुरा, अपने कभी कभी एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेती हूँ। एक दफा वो भी तो मैंने कहा था ना कि वॉलमार्ट पे नहीं खड़ा, उस पर भी नाराजगी हो गई थी कि वॉलमार्ट वाली जॉब जो है इतनी हार्ड। यार मैंने कभी किसी को बुरा कहा, बेसिक जॉब है ना, मिनिमम वेज जॉब है, चलो मैं दुआएं देती हूँ तुम लोग पूरी जिंदगी मिनिमम वेज जॉब करो, इतनी अच्छी है तुम लोगों को लगती तो करो भाई, फर्स्ट स्टेप है ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब इंसान तालीम हासिल करता है तो फर्स्ट स्टेप से दूसरे स्टेप जाता है, तीसरे, उसमें किसी की बुराई नहीं होती। ये नहीं होता कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, इसमें ये होता है कि मैं ये बता रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं इससे ऊपर हो गई हूँ, उससे ऊपर हो गई हूँ, मैं ये मेरी क्वालिफिकेशन थोड़ी तालीम हासिल करें, इसमें डिग्रेड कुछ नहीं है। पर समझते रहो सारी उम्र, यही समझो भाई अच्छी है सारी नौकरी आती है, अपने काम छोड़ के डॉक्टर छोड़ के करो जाके वॉलमार्ट, मैंने क्या कहा है, फिर गालियां खाते हैं मुझसे। मतलब इतनी नेगेटिविटी आप लोगों में आती कहाँ? जनरली लोगों को जो है ना, अगर 10 कमेंट आपके आए होते हैं ना तो उसमें एक आध इस तरह का पीस होता है, इसका मतलब है 1 out of 10 कि मतलब 10% प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको नेगेटिव इस तरह के लोग मिलेंगे, तो बाकी 9 अच्छे भी तो आ रहे हैं ना। नहीं नहीं अच्छे तो बहुत, मैं तो नेगेटिव पे भी बॉदर नहीं करती शुरू में, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था, अब मुझे परवाह नहीं है। अब मैं नॉर्मली जो यूट्यूब इवन बना भी रही हूँ ना, अपने फायदे के लिए नहीं बना रही, मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने पीछे लोगों ने मुझे बहुत कहा था आप प्लीज करें व्लॉगिंग करें रमजान में आ जाए, मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की वजह से आई हूँ। ये उन अंकल आंटियों के लिए आई है जो कि रिटायर होके उनके पास और कुछ है नहीं तो वो देखते हैं या, हाँ मुझे दुआएं देते हैं, कई माँ बेटा देखते हैं तो कई हस्बैंड एंड वाइफ देखते नहीं हैं। मुझे DMs आते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ DMs आए थे कि मेरे पेरेंट्स हैं वो आपको देखते हैं और खुश होते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से आई हूँ, मुझे कोई मेरा टाइम वेस्ट होता है
मैं पढ़ सकती हूँ बट मुझे ये अच्छा लगता है। और वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था ये वीडियोस मैं अपनी मेमोरीज के लिए रखती हूँ। मैं कल हूँ ना हूँ, मैंने ये बिलाल को भी कह दिया है कि मेरे जाने के बाद भी तुमने ये वीडियोस हटानी नहीं है। मेरे बच्चे पोते पोतियाँ कहीं जिंदगी में देखेंगे हमारी दादी नानी कितनी स्टाइलिश थी यार, कितनी चलाकू थी, मासी थी पूरी की पूरी। ये उनके लिए है, तो परेशानी ना लो। मैं बहुत आर्टिफिशियल हूँ, मेरे अंदर कोई प्योरिटी नहीं है, यही समझो। दुनिया में सबसे बुरे इंसान बना रहा था ना, तो भाई हमको बनाया अल्लाह ने, क्या कर सकते हैं भैया, बट रहना तो है ना। हाँ, आप तब करें जब आपसे मैंने कोई पैसे लिए हो, बिजनेस किया हो आपसे कोई गलत वो नुकसान किया हो, या मेरी तो ऐसी कभी कोशिश नहीं है कि मेरी वजह से किसी को नुकसान हो, या मेरी वजह से कोई गलत रास्ते पे गलत राह पे उतर जाए, या मेरी वजह से कोई किसी का कुछ हो नुकसान किसी किस्म का भी हो। मैंने तो कभी ये ना इंटेंशन रखी है, ना मेरे व्लॉग में कभी इस तरह का मैंने क्लेम किया है, कोई गलत बाग दिखाए हो आपको मैंने। बाकी आपकी मर्जी है, समझे मैं कौन सा यहाँ पे आपके मैंने किताबें लिखनी है। काफी 10 मिनट हो गए बिलाल, आप मेरे ख्याल में इसको बंद करें। चले अपना ख्याल रखें, बाय बाय करते हैं। बाय करें आयमा, बाय करें मानी। अब वो पीछे गए हैं, वो पीछे मास गए हैं, मास ही वो पीछे। Hello guys, if you know if every YouTube channel has a name for their fans, what name do you want and I'll call you it. So, what? Make it a vote in the comment section and like and subscribe and hit the bell button. ये हमने रखी हुई है फ्यूचर भी हमारा, ये इसका इसके लिए चैनल बना रहे हैं। चलो शिराजी को ये रिप्लेस करें। वो शिराजी जो छोटा शिराजी और मुस्कान है। चले जी मैं बारह बारी हो रही है, चलो ओके अल्लाह हाफिज़। हमारे पास भी हो रही है ओले बारी, बारिश हो रही है सुबह से, बारिश हो रही है।